नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि एक ही यूजर आईडी को IRCTC के, अगर आपके पास एक ही यूजर आईडी है, एक ही अकाउंट है IRCTC के, तो आप एक से अधिक डिवाइस में लॉगिन करके आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही अकाउंट होता है और हम लोग दो मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, या तीन में, या कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, या और मोबाइल में भी लॉगिन करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, करने में क्या परेशानी होगी, होगा कि नहीं होगा, सारा कुछ डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी ट्रायल लेते हैं कि तत्काल के वक्त एक ही यूजर आईडी होता है उनके पास और दो मोबाइल फ़ोन, दो डिवाइस कंप्यूटर लैपटॉप में उन लोग इस्तेमाल करते हैं टिकट बुकिंग करने के लिए, कि जिसमें फास्ट पहले हो जाए टिकट बुकिंग, ठीक है। तो ऐसा करना आपके लिए सही है या ख़राब है, क्या है, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि एक ही यूजर आईडी को हम लोग दो डिवाइस में, अगर जो दो या तीन चार, यानी कि एक से अधिक डिवाइस में हम लोग इस्तेमाल करना चाहें, तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और करने में क्या परेशानी होगी, होगा कि नहीं होगा, सारा डिटेल आपको इस अपडेट में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर आपको मैं बता दूँ कि एक ही यूजर आईडी को हम लोग एक से अधिक डिवाइस में हम लोग लॉगिन करके रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप अपना यूजर आईडी को कंप्यूटर लैपटॉप में भी लॉगिन करके रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन में भी लॉगिन करके रख सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक से अधिक मतलब कि डिवाइस में हम लोग अपना यूजर आईडी को लॉगिन करके रख सकते हैं। लेकिन बात आती है टिकट बुकिंग करने के लिए, तो आप एक ही साथ में एक से अधिक डिवाइस में आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये भी हम आपको जानकारी दे दें। अगर एक ही यूजर आईडी है आपके पास और दो डिवाइस में अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि दो मोबाइल फ़ोन में या दो कंप्यूटर लैपटॉप में, अगर आप एक ही साथ में टिकट आप बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका एक से, जैसे ही आप टिकट बुकिंग करने के लिए आगे के प्रोसेस में जाएंगे लॉगिन करके, तो आपका एक ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। एक को करने जाएँ, एक को लॉगिन करके फिर से ट्राई करेंगे तो एक आपका दूसरा ऑलरेडी लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक साथ में हम लोग लॉगिन करके एक ही समय में एक से अधिक डिवाइस में बुकिंग नहीं कर सकते हैं टिकट को। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप कभी, बहुत सारे लोग तत्काल में इस तरह के ट्राई भी करते हैं, उन लोग हालांकि तत्काल के समय ट्राई करते हैं कि यूजर आईडी को एक से अधिक फ़ोन में इस्तेमाल करके कि जिसमें पहले बुकिंग हो जाए, तो इससे आपको लॉग आउट बार बार अकाउंट आपका हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लॉगिन करके आप एक से अधिक डिवाइस में रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही साथ में अगर आप चाहें इस्तेमाल करने के लिए उसको, ठीक है, तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एक आपका ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, कई सारे परेशानी आपको हो जाएंगे, यानी कि आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सीधे शब्दों में आपको मैं बता दूँ तो एक साथ में आप दो डिवाइस में या एक से अधिक डिवाइस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। और कमेंट करके आप बताइए कि ये जानकारी आपको मालूम था कि नहीं मालूम था, आप ट्राई लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तो कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।